हाय, आज हम बात करेंगे फिल्म कालाकांडी की, और as the internet would like to call it, तैमूर के पापा की फिल्म। He versus she, movie review. सैफ की ये फिल्म काफी niche और अर्बन ऑडियंस के लिए ही है, क्योंकि masses के लिए तो वो तैमूर के फोटोज अपलोड कर देते हैं, और पूरा इंटरनेट खुश। Kaalakandi has been written and directed by अक्षत वर्मा, जिन्होंने डेली बेली भी बनाई थी, मगर उनके अंदर का दिल्ली बाहर नहीं निकला, तो उन्होंने ये बना दी। So it's a film about Mumbai without traffic or local trains or small houses. It's like making a film on Rajasthan without Rajasthan पे फिल्म नहीं बनाते। Alright, this film has some great acting performances by Deepak Dobriyal, Vijay Raaz and Shobhita Dhulipala. जो किसी काम नहीं आए, क्योंकि वो तीनों storyline सही तरह से connect ही नहीं हुई। The film starts with a doctor telling Saif that he has stomach cancer, last stage. पर सैफ पूरी फिल्म में कभी बीमार या दुखी नहीं लगा। वो उसके पीछे पुलिस दौड़ रही है, फ्लर्ट कर रहा है, सब कर रहा है। Basically, when he finds out he's going to die, he takes drugs because drugs solve everything, right? Hello, Papa. हाँ बेटा। Papa, मुझे AIDS है। क्या? कैसे? तुम आराम करो। तुम चिंता मत करो। तुम्हारे लिए दुनिया का बेस्ट डॉक्टर लेके आएंगे, तुम्हारे लिए सबसे अच्छी ट्रीटमेंट कराएंगे, जो भी सबसे महंगी से महंगी अच्छी से अच्छी दवाएं होंगी हम वो लेके आएंगे, तुम बस आराम करो। पगला गए हो क्या? Just get me some cocaine and you know LSD, उसका कोई कांटेक्ट है क्या? Actually मेथ भी चलेगा, मेरा फेवरेट वैसे हेरोइन है। Alright, this film follows a Guy Ritchie style of interconnected stories. मुंबई में जो भी हो रहा है इन पांच लोगों के साथ ही हो रहा है। हवा में कोई गोली भी चलाएगा ना तो इन पांचों में से किसी एक को ही लगेगी, क्योंकि मुंबई में पांच लोग ही तो रहते हैं, बहुत स्पेस है यहाँ पर। ओके, वी आर गोइंग टू गिव दिस फिल्म 2.5 स्टार्स एंड इन क्लोजिंग वी'd लाइक टू से, अगर आपकी फिल्म में कुछ काला नहीं है और कोई कांडी भी नहीं है, डू यू रियली वांट टू कॉल द फिल्म Kaalakandi? इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड इफ यू डिडंट लाइक द वीडियो शेयर इट विद योर एनिमीज। ही वर्सेस शी मूवी रिव्यू।